केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर हैं। वहीं रविवार को दीनदयाल नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोकार्पण करने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान सतीश सिकरवार ने कुछ ऐसा किया कि वहां मौजूद लोग देखकर दंग रह गए। दरअसल जैसे ही सतीश सिकरवार मंच पर चढ़े, उसी दौरान सिकरवार ने ज्योतिराज सिंधिया के पैर छू लिए, साथ ही पूर्व मंत्री माया सिंह के भी पैर छूकर प्रणाम किया। आमंत्रित हैं माननीय मुन्नालाल गोयल जी, खाद बीज निगम मंडल के अध्यक्ष। वहीं राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि सतीश सिकरवार फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस में सिंधिया ने फिर से सेंध लगा दी है। कांग्रेस का एक और विधायक जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकता है। बता दें कि इससे पहले भी सतीश सिकरवार पार्टी लाइन से हटकर वीर सावरकर की जमकर तारीफ कर चुके हैं। इसे लेकर कई कांग्रेसी विधायक को आलाकमान लताड़ लगा चुका है। वहीं जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब सिकरवार भाजपा में थे, तब भी सिकरवार ने एक कार्यक्रम के दौरान सिंधिया के पैर छुए थे। वहीं सिकरवार के सिंधिया के पैर छूने के बाद बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सिंधिया का यह दाव कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाता है।